सब्लाइम क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी तक आप लोग आईसीटी में देख रहे थे कि कैसे इंटरनेट काम करता है, कैसे नेटवर्क बनते हैं और बहुत सारे नेटवर्क कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है उसी से थोड़ा मिलता जुलता है, नेटवर्क डिवाइस और केबल। इस पे भी कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि नेटवर्क डिवाइस करती क्या है, कौन सी नेटवर्क डिवाइस क्या करती है, ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करेंगे कि नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं और नेटवर्क केबल जो कि बहुत एक दो ही तीन टाइप की फेमस हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, क्या होता है नेटवर्क डिवाइस। तो दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए, कंप्यूटर को लैन से जोड़ने के लिए नेटवर्क डिवाइस प्रयोग की जाती है। नेटवर्क डिवाइस कौन कौन सी होती हैं ये आपकी जो लिस्ट है आप देख सकते हैं, हब, रिपीटर, स्विच, राउटर, मॉडेम और ब्रिज। तो आइए इन्हीं की चर्चा करते हैं कि आखिर ये डिवाइस कहाँ कहाँ यूज होती हैं और कैसे यूज होती हैं। सबसे पहले जो सबसे बेसिक जो नेटवर्क डिवाइस होती है वो होती है हब। ये एक बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस है। ये डिवाइस फिजिकल लेयर पे काम करती है। मैंने आपको TCP/IP और OSI लेयर बताया था, तो उसमें एक फिजिकल लेयर थी, तो ये डिवाइस जो है वो फिजिकल लेयर पे काम करती है। इस वजह से ये आपस में नेटवर्किंग डिवाइस को फिजिकली जोड़ने का काम करता है। आमतौर पे जिस नेटवर्क में ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल होता है ये वही डिवाइस यूज की जाती है। तो कहने का मतलब है अभी हम जब केबल पढ़ेंगे तो उसमें केबल का नाम होगा ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ट्विस्टेड पेयर केबल में हम हब का मोस्टली या नॉर्मली प्रयोग करते हैं। बिना किसी बदलाव के पैकेट को दूसरे डिवाइस तक फॉरवर्ड करने का काम करती है। पैकेट वो होते हैं जिसमें खूब सारे डाटा हों और वो एक पैकेट में बंद हो, ठीक है। मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि इंटरनेट कैसे काम करता है, ये उसी से संबंधित है। तो पैकेट को दूसरे डिवाइस तक फॉरवर्ड करने का काम करती है। डाटा पैकेट डिवाइस के लिए है या नहीं इसका इस मशीन से कोई लेना देना नहीं है। ये बस काम करता है कि एक डिवाइस से इसने कोई डाटा उठाया और जो भी उस पर लिखा हुआ है, जो भी एड्रेस है वो उसको सेंड कर देता है जहाँ भी उसको भेजना होता है, ठीक है। तो एक नॉर्मल सी डिवाइस है जिससे खूब सारे हम डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसको थोड़ा सा समझने के लिए आप ऐसा देख लीजिए कि मान लीजिए बीच में लगा है, जिस मैंने आपको एक जो टोपोलॉजी वाला जो आप वीडियो देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इस तरीके से कंप्यूटर जुड़े होते हैं बीच में एक डिवाइस से, स्टार टोपोलॉजी कहते हैं आप जो मैं टोपोलॉजी बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। तो इस तरीके से जुड़े होते हैं कंप्यूटर्स और बीच में होता है हब। तो मान लीजिए इस वाले कंप्यूटर को इससे कोई डाटा भेजना है, यहाँ तक डाटा भेजना है, तो क्या करेगा, ये पहले हब को भेजेगा डाटा और डाटा जैसे ही देखेगा कि उस पर एक मान लीजिए ए है ये बी है, ए का ए ने जो भेजा है बी के लिए जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो सीधे उसको ट्रांसफर कर देगा। उसको कोई मतलब नहीं है डाटा क्या है, डाटा से क्या लेना देना है, किस तरीके का एड्रेस पड़ा हुआ है, वो सीधे हब बी को डाटा ट्रांसफर कर देगा, कहां से, ए से उठा के बी में, ठीक है। अब बात करते हैं हब। हब जो है ना वो जो एक RJ45 जैक होती है, आप लोगों का जो लैपटॉप होता है, जो कंप्यूटर होता है, तो पुराने जमाने में क्या होती थी कि RJ45 जैक होती, अभी भी होती है मोस्टली, लेकिन जो हब यहाँ मैंने बनाया हुआ है, जो मैंने पिक डाली है, ये जो है USB बेस पे है। तो USB पे भी हम अपना कंप्यूटर जोड़ सकते हैं और इसमें चार ही पोर्ट हैं, तो इसका मतलब है ये हब सिर्फ चार कंप्यूटर को अपना नेटवर्क प्रोवाइड करा सकता है, ठीक है। ये सिर्फ कम्युनिकेशन कराता है और ऐसा कोई काम नहीं होता है। चलिए बात करते हैं स्विच की। स्विच क्या करता है, अभी मैंने आपको हब बताया था। हब और स्विच समझ लीजिए दोनों भाई भाई हैं। हब जो है अभी छोटा भाई है, उसको थोड़ा सा नॉलेज कम है, वो बेसिक लेवल पे काम कर रहा है, और जो स्विच है वो बड़ा भाई है, काम वही कर रहा है, काम वही हो रहा है, बस थोड़ा सा इसमें क्वालिटी इनहेंस है, मतलब ये थोड़ा सा अच्छा होता है आपसे। क्या क्वालिटी होती है अभी बताते हैं आपको। तो पहले देख लेते हैं, ये डिवाइस भी हब की तरह फिजिकल लेयर पे ही काम करता है। तो कभी लेयर पूछी जाए तो स्विच भी फिजिकल लेयर पे काम करता है
और ये डिवाइस हब से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। हब बस डाटा पैकेट को फॉरवर्ड करता है, लेकिन स्विच फॉरवर्डिंग के साथ साथ फिल्टर भी करता है और इसको इंटेलिजेंट बोला जाता है। मतलब कहने का आशय ये है कि जो भी डाटा है वो कहीं स्पैम तो नहीं है, कहीं वो किसी वायरस टाइप का तो नहीं है, तो वो क्या है जब आपके कंप्यूटर पे आएगा तो वो शो करेगा कि भाई ये डाटा जो है किसी अननोन पर्सन ने भेजा है, ये मेरे नॉलेज में नहीं है। ये आपको सोच के देखना है, आप समझ लीजिए, सिक्योर हो लीजिए, तभी इस डाटा को खोलिए। तो ये काम स्विच क्या करता है, थोड़ा स्मार्ट लेवल पे भेजता है, वो सब कुछ बता देगा कि भाई ये जो अननोन सोर्स है ये कहाँ से आया है, ये वगैरह वगैरह जो है सब कुछ रखता है अपने पास थोड़ा सा डाटा। और जब स्विच डाटा पैकेट को रिसीव करता है तो वो उसके फिल्टर एड्रेस का पता लगाता है। मैंने बताया ना अभी कि वो फिल्टर करके एड्रेस का भी पता लगा लेता है कि कहाँ भेजना है और कहाँ से ये आया है, और उस डिवाइस को पैकेट फॉरवर्ड करता है। कहने का आशय ये है कि ये हब की तरह बीच में लगा तो होता है, लेकिन इसको सारे एक ए बी सी डी जितने भी हैं सबके आईपी एड्रेस इसके दिमाग में होते हैं, सारे इसके दिमाग में है, इसलिए थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो जाता है। बस बेस वही है जो हब का था। मॉडेम, जो लोग अपने घर में वाईफाई लगवाते हैं या कोई कनेक्शन लेते हैं ब्रॉडबैंड वगैरह का, तो उसमें अक्सर हम लोग सुनते हैं मॉडेम हमारे घर पे लगा दो या मॉडेम जो है चाहिए, तो मॉडेम यूज होता ही होता है। तो मॉडेम करता क्या है ये तो किसी को पता ही नहीं है, बस हम मॉडेम लगवा लेते हैं और मॉडेम हमारे घर में चलने लगता है। अब चाहे वो मॉडेम वायर वाला हो या वायरलेस हो, मॉडेम करता क्या है, तो इंटरनेट की दुनिया में जब भी घर में इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो डाटा बाहर की दुनिया से हमारे कंप्यूटर तक पहुंचाता है, कौन, मॉडेम। और जो हमारा कंप्यूटर होता है वो डिजिटल डाटा को ही समझता है। डिजिटल डाटा का मतलब 0 एंड 1, ठीक है। 0 एंड 1 क्या होता है, बाइनरी नंबर्स होते हैं, ठीक है। जो कंप्यूटर है हमारा वो सिर्फ बाइनरी नंबर्स को ही समझता है, कहने का आशय ये है। तो केबल में डाटा एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में जाता है। तो मतलब जो हमारा कंप्यूटर है, और यहाँ पे एक और कंप्यूटर रखा हुआ है और बीच में लगा है मॉडेम, और ये कनेक्शन चाहे वो इंटरनेट से जुड़ा हो चाहे वो लोकल लेवल पे जुड़ा हो, तो ये हमारा मॉडेम लगा हुआ है। और जो भी कनेक्शन ये आ रहा है तो इसके पास जो सिग्नल आया, तो जो सिग्नल आया वो किस में आया, डिजिटल फॉर्म में आया, मतलब 0 और 1 में आया। तो इसने क्या किया, पहले समझा कि ये डाटा आखिर है क्या, ठीक, उस डाटा को डिमॉड्यूलेट किया और फिर इस कंप्यूटर में भेजा। इस कंप्यूटर ने डिमॉड्यूलेट डाटा पढ़ा। तो कहने का आशय है जो मॉडेम है ये दो नाम से बना हुआ है, मॉड्यूलेटर, नीचे देखिएगा, मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। मॉडेम उसका समझ लीजिए नाम से ही लग रहा है कि मॉड्यूलेट हो रहा है और डिमॉड्यूलेट हो रहा है। तो डिजिटल से डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग, ठीक। तो डाटा को डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में बदलने का काम करता है मॉडेम, ठीक। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉडेम का वर्क क्या है। मॉडेम हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराता है, नो डाउट। मॉडेम डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में डाटा को ट्रांसफर भी करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राउटर, राउटर क्या करता है, राउटर थोड़ा सा बड़ी चीज है, बड़े लेवल पे हम यूज करते हैं। तो राउटर जो है वो, जो मैंने इसमें दो पिक लगाई हुई है इसको भी मैं बताऊंगा ये क्या मैंने बनाया है। ओरिजिनल पिक ये है राउटर की, राउटर कुछ मॉडर्न से मिलता जुलता दिखाई देता है। और करता क्या है, तो दो नेटवर्क के बीच में रूट और ट्रैफिक को कंट्रोल करना ही इस डिवाइस का काम होता है। दो नेटवर्क, ठीक, अभी मान लीजिए एक बिल्डिंग है उसमें एक लैन है और दूसरी बिल्डिंग है उसमें भी लैन है, तो दो लैन को क्या करना है, जोड़ना है। तो बीच में हमको एक राउटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि राउटर क्या कर रहा है, दो बड़े नेटवर्क को डिवाइड कर रहा है। और अगर मान लीजिए एक मैं छोटा सा फिगर बना दूं, तो ये मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ठीक है, और एक ये बिल्डिंग है, तो इनका दोनों का एक अपना अपना क्या कहते हैं नेटवर्क है। तो इसका एक राउटर होगा
और इसका भी एक राउटर होगा जो क्या करेगा, इन दोनों के नेटवर्क को जोड़ने का काम करेगा। अब दोनों के नेटवर्क के लिए हमें हर बिल्डिंग का एक अलग अलग राउटर रखना होगा। मान लीजिए इसी बिल्डिंग से किसी तीसरी बिल्डिंग को जोड़ना है, तो ये राउटर के लिए यहाँ पर फिर एक राउटर रखना पड़ेगा। तो जो बड़े नेटवर्क होते हैं ना, उनको जोड़ने का काम करता है क्या, राउटर। आइए थोड़ा सा और समझते हैं। तो ये दो नेटवर्क को आपस में वायर या वायरलेस के मीडियम से जोड़ता है, और OSI मॉडल जो मैंने आपको बताया था, OSI लेयर क्या होती है, TCP/IP लेयर क्या होती है, तो OSI लेयर में ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है और TCP/IP में ये इंटरनेट लेयर पे काम करता है। तो ये डिवाइस काम करेगा किस पे, नेटवर्क लेयर पे। आजकल वायरलेस राउटर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। लास्ट में है ट्रैफिक पुलिस जैसे काम करता है, वैसे ही डाटा का डायरेक्शन कौन निर्धारित करता है, राउटर निर्धारित करता है। तभी मैंने, अब आप समझ लीजिए, मैंने जो पिक्चर दिखाई थी, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई चौराहा है, यहाँ पर एक पुलिस मैन खड़ा हुआ है और वो बता रहा है कि किसको किधर जाना है, ठीक। अब किसको किधर जाना है, तो ये डाटा मान लीजिए यहाँ जो नेटवर्क है, तो कोई बड़ा नेटवर्क इधर जा रहा है, कोई नेटवर्क इधर जा रहा है, कोई नेटवर्क इधर जा रहा है, तो वो नेटवर्क को डायरेक्शन देता है कि आपका ये जो डाटा है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक क्वेश्चन बहुत फेमस है कि पूछा जाता है कि जो नेटवर्क का ट्रैफिक पुलिस है वो किसे कहते हैं, किस डिवाइस को कहते हैं। तो नेटवर्क का ट्रैफिक पुलिस हम राउटर को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद करते हैं बात ब्रिज की। ब्रिज का मैंने अलग से इमेज बनाने के ये प्रयास दिखाया है कि आप ये समझ जाओ कि ब्रिज यूज कैसे होता है। तो पहले लिखा है कि जैसे कि राउटर दो अलग नेटवर्क को कनेक्ट करता है, वैसे ही ब्रिज जो है वो सब नेटवर्क को कनेक्ट करता है जो कि एक ही नेटवर्क के होते हैं। मैंने भी बताया था कि जो राउटर होगा वो अलग अलग नेटवर्क को देखता है, लेकिन जो ब्रिज होता है ये एक ही नेटवर्क को कई नेटवर्क में बांटने का काम करता है। जैसे मान लीजिए ये एक राउटर है और राउटर से ये ब्रिज जुड़ा हुआ है, ठीक, बाकी ये अलग अलग जगह जुड़े हुए हैं। तो ये ब्रिज जो जुड़ा है राउटर से, ये क्या कहता है कि मान लीजिए एक बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग में दो टाइप के ऑफिस हैं, एक तो फाइनेंस का है तो फाइनेंस से एफ लिख देते हैं, और एक है क्या, मार्केटिंग का। तो इन लोगों को अपना अलग अलग नेटवर्क चाहिए। नेटवर्क क्या है, जो ऊपर से मिला हुआ है वो एक ही है। तो ब्रिज ने क्या किया कि एक तुम ले लो एक साइड का, और एक जो है उसको हाफ कर देते हैं, तुम ले लो। तो ब्रिज क्या करता है, जो राउटर से हमें एक नेटवर्क मिलता है उसको दो या तीन या चार जितने भी भागों में हम बांट सकते हैं, जैसा भी ब्रिज हमारे पास है, उसको वो डिवाइड करके जो है बांट देता है। तो इस तरीके से जो ब्रिज है वो सप्लाई करता है एक नेटवर्क से कई नेटवर्क को, छोटे छोटे पैकेट में बना देता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ब्रिज छोटे छोटे नेटवर्क बनाता है एक नेटवर्क को। तो आगे चलते हैं रिपीटर। रिपीटर क्या करता है, रिपीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये सिग्नल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, जो सिग्नल को रिसीव करता है और उसे रिट्रांसमिट करता है, सिग्नल लॉस्ट होने से बचाता है, और इसकी वजह से डाटा बिना लॉस्ट हुए दूर दूर तक पहुँच सकता है। कहने का मतलब है, मान लीजिए बिल्डिंग है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, लगभग 200 मीटर की, ठीक, 200 मीटर की बिल्डिंग है, और हमने यहाँ पर एक कनेक्शन लिया और हमने कहा कि एक केबल जो है पूरी ऊपर तक जाएगी, और वो केबल से जो है वो ऊपर हमें डाटा पहुँचाना है हर फ्लोर पे। तो मान लीजिए ये 50 मीटर तक जाता है, और फिर क्या होता है, जो डाटा सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ, उसका जो ताकत, उसकी पावर जो है वो कम हो जाती है। तो हम यहाँ पर एक रिपीटर लगा देते हैं, इससे क्या होता है, जो भी हमें रिसीव हुआ उसको उसने फिर से एक नया पावर दिया और वो 50 मीटर तक फिर से ऊपर चला गया। यहाँ पर हम फिर से रिपीटर लगा देंगे तो यही चीज़ फिर से स्ट्रेंथ मिल जाएगी और वो फिर ऊपर चली जाएगी। तो नॉर्मली जो रिपीटर हैं वो 100 मीटर पे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि जो हमारी केबल हैं वो कुछ लेवल तक तो डाटा बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचाती हैं, लेकिन जो कुछ डिवाइस हैं, जो कुछ केबल हैं वो बहुत अच्छे से नहीं पहुंचा पाती है, तो वहाँ पे हमें रिपीटर लगाना ही पड़ेगा। ओके, तो अब हमने रिपीटर समझ लिया होगा कि रिपीटर का काम क्या होता है।
इसके बाद बात करते हैं नेटवर्क केबल्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं। तो केबल करती क्या है? केबल सूचना को एक नेटवर्क डिवाइस से दूसरे नेटवर्क डिवाइस तक भेजने का काम करती है। लैन के साथ उपयोग किए जाने वाले केबल कई प्रकार के होते हैं। लैन का मतलब आप जान चुके होंगे कि लोकल एरिया नेटवर्क की बात कर रहे हैं। एक और बात बताना चाहूंगा, लैन को ही हम ईथरनेट भी कहते हैं। मैंने पुराने वीडियो में भी बताया था ईथरनेट। तो ईथरनेट का भी पूछा जाए, ईथरनेट क्या है? तो जो काम लैन करता है वही काम ईथरनेट करता है, ठीक है। तो लैन के साथ उपयोग किए जाने वाले केबल कई प्रकार के होते हैं, और कुछ केस में एक प्रकार के केबल, कुछ केसों में विभिन्न प्रकार के केबल उपयोग किए जा सकते हैं। केबल के प्रकार का चयन नेटवर्क की टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल और उसके आकार पे डिपेंड करता है, यानी कि निर्भर करता है। केबल जो है आपके तीन प्रकार के होते हैं मोस्टली, तो उनको हम किस किस प्रकार से यूज करें ये हमें डिपेंड करता है हमारी टोपोलॉजी पर, कि हम कितने कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, कितना बड़ा हमें बैंडविड्थ चाहिए, कितना बड़ा हमें काम करवाना है उस लेवल का, किस लेवल का हमारा ऑफिस है। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि केबल हमें कैसा यूज करना है। तो जो नेटवर्क केबल हैं आपको याद रखने हैं, तीन प्रकार के होते हैं मोस्टली, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सल केबल और ऑप्टिक फाइबर केबल। तो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, इसको अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं यूटीपी, और सील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल होती है जो एसटीपी होती है। तो आइए थोड़ा जान लेते हैं कि यूटीपी यानी कि अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर क्या होता है। अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर टेली कम्युनिकेशन माध्यम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे आम प्रकार की केबल है, और इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज डाटा वॉइस दोनों की तरह ट्रांसलेशन के लिए यह उपयुक्त की जाती है, ठीक है। तो ये सबसे नॉर्मल केबल कही जाती है कम्युनिकेशन के लिए, और खास बात यह है कि इसको ट्विस्ट करके रखा जाता है। आपने देखा होगा अनसील्ड लिखा हुआ है, तो अनसील्ड का मतलब है इसमें जो एक आप सील्ड देख रहे हैं इस पे बहुत ज्यादा कवर नहीं किया गया है, अनसील्ड है, ठीक है। हल्का सा कवर है, प्लास्टिक कोटेड तो है ही, लेकिन बहुत ज्यादा कोटेड इस पे नहीं दिख रहे हैं हमको। और खास बात यह है कि जो ये जो ट्विस्ट है ये क्यों किए जाते हैं, क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। ये ट्विस्टिंग इसलिए की जाती है कि मान लीजिए ये सीधे सीधे ऐसे केबल डाल दिए जाएं, तो क्या होता है कि जब डाटा आता जाता है ना ऐसे यूं फास्ट फॉरवर्डिंग में आ रहा है जा रहा है, तो होता क्या है कि जो केबल है उसमें वॉइस आती है बहुत तेज से, आवाज, ठीक है, वाइब्रेशन, और उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर है ना, तो वो अगर हम ट्विस्ट नहीं करेंगे तो एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगी, ऐसा लगेगा कि जो डाटा हमने भेजा था वो भी उसमें भी काफ़ी वाइब्रेशन है, काफ़ी दिक्कत है, सही साफ सुथरी नहीं है, और जो वापस आ रहा है उसमें भी काफ़ी जो है वाइब्रेशन है। तो इसलिए हम उसको ट्विस्ट कर देते हैं, तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर जो है वो क्या होता है, कम ज़्यादा होती है, तो उससे वो ज़्यादा असर नहीं डाल पाती है, इसीलिए हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट जो पावर होती है उसको कम करने के लिए वायर को हम ट्विस्ट कर देते हैं। हिंदी में कहते हैं गूंथना, तो हम गूंथ देते हैं ना, तो ट्विस्टेड कर देते हैं उस चीज़ को। एसटीपी सील्डेड ट्विस्टेड, अभी जो दो टाइप थे ना ट्विस्टेड के, ये है सील्डेड। इसमें क्या है, इसमें केबल को काफी ज्यादा सील्डेड कर दिया जाता है, कई टाइप के कवर इस पे लगाए जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो नॉइज की बात मैं कर रहा था, और क्रॉस से बचने के लिए इसमें इंसुलेटेड कंडक्टर के ऊपर मेटल फॉयल ब्रांडेड मैस का कवर चढ़ाया जाता है। तो देखिए एक कवर तो यहाँ पे हो गया, ये काला वाला, फिर उसके बाद ये वाला कवर हो गया, फिर पीले और हरे हरे अलग कवर, तो तीन टाइप के तो कवर ही इस पे लगे हुए हैं। तो क्या होगा कि दूसरी केबल से जल्दी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो दूसरी केबल होगी उसको जल्दी ये असर नहीं डाल पाएगा, ठीक है। तो एसटीपी केबल नॉइज को तो कम करती है, कम हस्तक्षेप करता है, लेकिन यह यूटीपी से महंगी होती है। इतने सारे कवर लगा दोगे तो महंगी तो करनी पड़ेगी। अब इतनी सारी जैकेट की जो है उसमें कवर लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है जाड़ा है, ये भी पहन लो वो भी पहन लो, तो ज़्यादा पहनोगे तो खर्चा तो होगा ही। तो क्या होता है कि ये यूटीपी से महंगी होती है। इसका जो बैंडविड्थ होती है मोस्टली क्या होती है, 10 से 100 एमबी तक होता है, 100 एमबी पर सेकेंड, ठीक। लेकिन जो यूटीपी थी, मैं बताना भूल गया, फिर से आपको वहीं ले चलता हूँ वापस। यूटीपी की जो बैंडविड्थ होती है वो 10 से 1000 एमबी तक होती है। ये अच्छी बहुत बड़ी बात है कि ये सस्ती भी है और इसकी बैंडविड्थ भी बहुत अच्छी होती है, स्पीड बहुत अच्छी होती है।
ठीक है, लेकिन एसटीपी जो है वो थोड़ा सा कम स्पीड या बैंडविथ इसकी होती है, बैंडविथ कम होती है। बात करते हैं कोएक्सल केबल की। कोएक्सल केबल बहुत ही हैवी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग केबल मानी जाती है, लेकिन कमी इसमें यह है कि इसका जो जो इसमें कवर चढ़ा हुआ है, देखिए एक ये तो ब्लैक कलर का प्लास्टिक वाला हो गया, फिर एक सिल्वर का जाली टाइप की लगी हुई है, फिर सिल्वर की फॉयल लगी हुई है, उसके ऊपर कुछ और कोई और धातु लगी हुई है, और अंत में ये एक छोटा सा केबल आपको दिख रहा है, ये अंदर तक पूरा गया हुआ है। तो इसमें क्या है, जो ट्विस्टेड पेयर वाला था, एसटीपी था, उससे भी ज़्यादा कवर चढ़े हुए हैं। तो कोएक्सल केबल डिवाइस के बीच कम रेंज के कनेक्शन के लिए लाभदायक होती है, मतलब जो छोटे कनेक्शन है उनके लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। डिजिटल सिग्नल का प्रयोग करते हुए कोएक्सल केबल कंप्यूटर सिस्टम पर हाई स्पीड देता है। कोएक्सल पेपर विभिन्न प्रकार के डाटा और ट्रैफिक, यातायात नहीं, ट्रैफिक लिखिए यहाँ पे, डाटा ट्रैफिक, ट्रैफिक को प्रकार को विभिन्न डिवाइसों के साथ मीलों तक, जैसे ऑफिस बिल्डिंग या इमारत से जोड़ता है। ठीक है, तो कोएक्सल केबल जरूरी नहीं है कि छोटे में ही लाभदायक हो, कोएक्सल केबल आपके लैन के लिए भी अच्छी है और कोएक्सल केबल आपके मैन के लिए भी अच्छी है। ठीक है, मैन मैन मैंने आपको बताया था ना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो उसके लिए भी अच्छी है। लेकिन एक दिक्कत आती है कि जब इसमें इतने सारे कवर होते हैं तो ये क्या करती है, बिल्कुल अकड़ी रहती है सीधे, इसको घुमाना बड़ा कठिन होता है, अगर घूम गई तो फिर सीधी नहीं होगी, इसीलिए थोड़ा सा यूज में कम होती गई। और जो ट्विस्टेड पेयर है या पेयर वाली जो हमने अभी आपको बताई थी, उसका यूज इसलिए बढ़ गया क्योंकि वो उसकी क्वालिटी अच्छी करके हम उसको ज्यादा प्रयोग में लाने लगे। और कोएक्सल केबल का जो उदाहरण मैं आपको दूं, तो जो टीवी आप लोग लेते हो ना, केबल टीवी या जो कनेक्शन लेते हैं हम टीवी चलाने के लिए, डिश टीवी या वगैरह वगैरह जो भी आते हैं, तो उसमें इसका केबल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो कोएक्सल केबल है उसका, तो टीवी में खास खास तौर से जो केबल वाले कनेक्शन टीवी होते हैं उसमें यही केबल यूज़ होता है। ऑप्टिक फाइबर केबल, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी केबल से आते हैं क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड यूज की जाती है, मैं कहूंगा ये वैन के लिए यूज होती है, तो क्वेश्चन बनेगा वैन के लिए कौन सी केबल यूज होती है, वैन के लिए ऑप्टिकल फाइबर या ऑप्टिक फाइबर केबल यूज होती है। तो ऑप्टिक फाइबर केबल को लंबी दूरी के लिए या फिर जहां से ज्यादा स्पीड या हाई बैंडविड्थ की जरूरत होती है वहां पर यूज करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल जो है वो लाइट के फॉर्म में चलता है, अभी तक क्या चल रहा था, करंट के फॉर्म में चल रहा था, अब यहाँ पे लाइट। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि कौन सी केबल में जो डाटा है वो लाइट के फॉर्म में चलता है, ऑप्टिक फाइबर में लाइट के फॉर्म में चलता है। ठीक है, सबसे ज्यादा बैंडविड्थ किसकी होती है, ऑप्टिक फाइबर की होती है, सबसे ज्यादा जो स्ट्रांगनेस होती है वो किसमें होती है, ये इसमें होती है। और एक आपको बताना चाहूंगा, मान लीजिए जैसे ये कहा जाए कि दो देशों के बीच चाहे वो समुद्र से जुड़े हों या वो उनकी बॉर्डर जुड़ा हो, कैसे भी, तो दो देशों के बीच एक अच्छा कम्युनिकेशन बनाने के लिए हमें कौन सी केबल डालनी होती है, फाइबर ऑप्टिक। जब हम किसी देश से अपना कम्युनिकेशन अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं तो हम समुद्र के रास्ते भी ऑप्टिक फाइबर केबल को बिछाते हैं जो समुद्रों में पड़ी हुई हैं बहुत बड़े लेवल पर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम सारा डाटा सेटेलाइट से ही ले रहे हैं, हमारा कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा ऑप्टिक फाइबर केबल के बेस पे ही चलता है। तो आज आपको हमने केबल और खूब सारे डिवाइसेस के बारे में बताया जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके प्रश्न पत्र में। तो जल्दी ही मिलते हैं आपको अगले वीडियोस में जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।